हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूबिंग प्लेनेट। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग स्नेक क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, स्नेक क्यूब को सॉल्व करके हमें इस तरह से बॉल शेप में बनाना होता है। तो चलिए पहले इस क्यूब के बेसिक्स को समझ लेते हैं। तो ये जो स्नेक क्यूब है, इसमें हमारे पास दो कलर के पीसेस हैं। तो देखिए, ये एक ब्लू कलर का पीस है और ये एक व्हाइट कलर का पीस है। तो ये जो ब्लू और व्हाइट कलर के पीसेज हैं, तो देखिए ये एक ट्राइंगल शेप में, देखिए ये एक ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस है और ये एक व्हाइट कलर का ट्राइंगल पीस है। तो चलिए इन पीसेस के हम लोग मूवमेंट को समझ लेते हैं। तो जैसे ये जो पीस है, ये ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस, अगर इसको हम लोग ऐसे मूव करेंगे तो इसको हम लोग अपने से दूर ले जा रहे हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर इस पीस को हम लोग ऐसे मूव करेंगे तो इसको हम लोग अपने से दूर ले जा रहे हैं, और अगर इस पीस को हम लोग ऐसे मूव करेंगे तो इसको हम लोग अपनी तरफ ला रहे हैं। अगर इस पीस को हम लोग ऐसे मूव करेंगे तो इसको हम लोग अपनी तरफ ला रहे हैं। तो अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर ये जो सबसे पहला पीस है, यानी ये ब्लू ट्रायंगल पीस, तो इसको हम लोग अपने से दूर ले जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ब्लू ट्रायंगल पीस देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट ब्लू ट्रायंगल पीस कहां पर है? तो ये हमारा ब्लू ट्रायंगल पीस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ब्लू ट्रायंगल पीस है, तो इसको हम लोग अब अपनी तरफ बेंड करेंगे। ये जो ब्लू ट्रायंगल पीस है, यानी कि ये, तो इसको हम लोग अब अपनी तरफ बेंड करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, जैसे यहां पर ये जो ब्लू पीस है, यहां पर ऐसे ऐसे वर्टिकली ये ब्लू पीस लगा हुआ है, तो ऐसे हमें यहां पर ये जो पीस है इसको भी हमें ऐसे वर्टिकली लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे सिंपली ऐसे टर्न कर देंगे। तो देखिए, ये जो पीस है ये ऐसे इस तरह से वर्टिकल लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस क्यूब को हम लोग इसी पोजिशन में होल्ड करेंगे और हम लोग नेक्स्ट ब्लू ट्राइंगल पीस देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस है, तो अब इसको हम लोग अपनी तरफ बेंड करेंगे। इसको हमने अपनी तरफ बेंड किया। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस है, तो अब इसके बाद हम लोग इसको अपने से दूर ले जाएंगे। तो देखिए, यहां पर एक प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है कि एक बार हम लोग एक पीस को अपने से दूर ले जाएंगे और दूसरी बार हम लोग अगले पीस को हम लोग अपनी तरफ बेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये बात का आप लोग ध्यान रखिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहां पर हमें ये एक ब्लू कलर का ब्लॉक बनाना है, कुछ इस तरीके से। देखिए, यहां पर ये हमारा ये ब्लू कलर का दो पीसेस को मिलाकर ये ब्लू कलर का ब्लॉक बना हुआ है। तो ऐसे हमें यहां पर ब्लू कलर का ब्लॉक बनाना है। अगर इस पीस को अगर हम लोग बेंड कर देंगे और इससे मैच कर देंगे, तो यहां पर हमारा ब्लॉक बन जाएगा। तो ये जो ब्लू पीस है, अब इसको हम लोग यहां पर ऐसे बेंड कर देंगे। तो देखिए, यहां पर हमारे ये ब्लू कलर का ब्लॉक बन गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे यहां पर ये ब्लू पीस इस तरह से लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, अब ऐसे हमें यहां पर भी एक ब्लू पीस को लगाना है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो देखिए, ये जो ब्लू पीस है, तो इसको हम लोग अब ऐसे रोटेट कर देंगे। तो देखिए, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस है, तो इसको अब हम लोग अपने से ऐसे दूर ले जाएंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस देखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस है, तो इसको अब हम लोग अपने तरफ ले जाएंगे, इसको हम लोग अपनी तरफ बेंड करेंगे। ये जो ब्लू ट्रायंगल पीस है, इसको हम लोग अब अपनी तरफ बेंड करेंगे। अब सेम हमें यहां पर भी इस तरह से ब्लॉक बनाना है, जैसे हमने यहां पर ये ब्लॉक बनाया है, अब हमें यहां पर भी ब्लॉक बनाना है। तो ये जो पीस है, तो अब इसको हम लोग बेंड करके आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए, यहां पर ये हमारा ब्लॉक बन गया। अब इस क्यूब को हम लोग इस पोजीशन में पकड़ेंगे, यहां ये जो ब्लॉक बन गया, इसको हम लोग अपने फ्रंट पे रखेंगे। और सेम हमें यहां पर भी यही करना है कि देखिए, ये जो ब्लू कलर का पीस जो है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगा है, तो ऐसे हमें यहां पर भी ब्लू कलर का पीस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगाना है। तो देखिए, ये हमारा ब्लू वाला पीस है, तो इसको जैसे हम लोग ऐसे यहां बेंड करेंगे, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लग गया। अब हम लोग नेक्स्ट ब्लू ट्राइंगल पीस देखेंगे। तो ये हमारा ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस है, तो अब इसको हम लोग अपने से दूर ले जाएंगे। और उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस देखेंगे। तो ये हमारा ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस है, तो इसको अब हम लोग अपनी तरफ लाएंगे, अपनी तरफ इसको बेंड करेंगे। ये जो पीस है, इसको अब हम लोग अपनी तरफ बेंड करेंगे। और यहां पर भी हम लोग यही करेंगे, हम लोगों को यहां ब्लॉक बनाना है, जैसे हम लोगों ने यहां पर बनाया है। तो अब ये जो पीस है ब्लू वाला, तो इसको हम लोग यहां पर मूव करेंगे। तो देखिए, ये यहां पर भी ये ब्लॉक बन गया। अब ये जो ब्लॉक बन गया, इसको हम लोग अपने फ्रंट में पकड़ेंगे।
और यहां पर भी जैसे यहां ये ब्लू ये जो ब्लू पीस है ये हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, ऐसे हमें यहां पर भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ब्लू पीस लगाना है। तो ये जो ब्लू है इसको हम लोग यहां पर ऐसे मूव करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया। अब इसके बाद हमें यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, देखिए यहां पर ये ब्लॉक तो कंप्लीट हो गया है तो इस पीस को हम लोग यहां ऊपर तो मूव करेंगे नहीं, तो अब हमें ब्लॉक्स को क्या करना है, नीचे की तरफ बनाना है। यहां पर हमारा ब्लॉक बन गया है, अब हमें नीचे की तरफ बनाना है। तो अब हम लोग ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस देखेंगे, तो देखिए ये हमारा ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस है, तो अब इसको हम लोग अपनी तरफ मूव करेंगे और अब हम लोग नेक्स्ट ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस देखेंगे। तो ये देखिए ये हमारा ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस है, तो इस बार अब इसको हम लोग अपने से दूर ले जाएंगे और यहां पर इस पीस को और इस पीस को अगर इस पीस को हम लोग यहां पर ऐसे मूव कर देंगे तो देखिए यहां पर ये हमारे ब्लॉक बन गया। अब ये जो ब्लॉक बन गया है इसको हम लोग अपने फ्रंट में ही रखेंगे। अब ऐसे हम बाकी के ब्लॉक्स कंप्लीट करना है, तो अब देखिए यहां पर स्पेस नहीं बच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पीस जो है लंबा वाला तो इसको हम लोग यहां पर ऐसे रखेंगे, इस तरह से मूव करके यहां पर लाएंगे और ये जो ब्लू ट्राइंगल पीस है अब इसको हम लोग यहां पर अपने से दूर ले जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस देखेंगे, तो देखिए ये हमारा ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस है, तो इसको हम लोग अपनी तरफ बेंड करेंगे और यहां पर ये जो ब्लू पीस है तो इस ब्लू पीस को यहां इसके साथ हमें मैच करना है। तो देखिए इसको हमने यहां पर ऐसे मैच कर दिया, तो यहां पर भी ये ब्लॉक बन गया ब्लू कलर का। अब यहां देखिए यहां पर हमारे इससे इतना बचा है, तो इसको क्या करेंगे कि यहां पर ये जो ब्लू है इसको हम लोग पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजिशन में ले आएंगे। तो देखिए यहां पर हमारे ये वाला ब्लू ब्लॉक भी बन गया। अब ये बचा हमारा लास्ट पीस, तो इसको सिंपली हम लोग यहां पर ऐसे रोटेट करके हॉरिजॉन्टल पोजीशन ले आएंगे। तो देखिए ये हमारा स्नेक बॉल क्यूब जो है ये बनके तैयार हो गया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।